Hare Krishna. So, कल हम लोग गुड़गांव इस्कॉन टेंपल में गए थे सुबह भागवतम के क्लास में. उसके बाद वहीं पर एक भक्ति भिक्षा क्लास शाम को अटेंड करके आए थे हम लोग. तो बहुत अच्छे भक्त हैं और ढूंढ रहे हैं वैष्णव संघ. वैष्णव संघ बहुत कठिनता से मिलता है. जिनको नहीं मिल रहा बेचारे दुखी हैं, जिनको मिल रहा है वो ले नहीं रहे इसलिए दुखी हैं. दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत का स्वभाव इसकी प्रकृति है. आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय में से हम एक लड़ी श्लोकों की उस पर चर्चा करेंगे और फिर एक उदाहरण से उसको समझेंगे और उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कस करेंगे हम. नहीं फाइन, नो नीड. सो अभी भगवद गीता वो दिन आने ही वाला है. अगले संडे को वो दिन है जब भगवद गीता बोली गई थी मोक्षदा एकादशी. 8 तारीख एकादशी भी है संडे को और उसी दिन भगवद गीता बोली गई थी कुरुक्षेत्र में. सो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बोल रहे थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा भजन करो, मनमनाभव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्करो, मेरा ध्यान करो, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ. तो ये सारी बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक शंका आ गई. ये सारी बातें चल रही थी तो अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछ लिया. अर्जुन ने जो भगवद गीता के 6 अध्याय के 38वां श्लोक है और अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, कच्चिन नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, के हे कृष्णा एक बात बताओ, महाबाहो हे बलशाली कृष्ण एक बात बताओ मुझे, आप तो महाबाहो कुछ भी कर सकते हो, महाबाहो मतलब इतनी ताकत है कुछ भी कर सकते हैं, है ना. ब्रजवासी भी उन्होंने कई बार कृष्ण को बोला, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण आप बहुत शक्तिशाली हो हमारी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो. सो अर्जुन ने बोला, हे महाबाहो, हे बलशाली कृष्णा, आप मुझे एक बात बताओ कि चलो एक व्यक्ति है उसने भक्ति शुरू कर दी, आपने बोला भक्ति करो, चलो शुरू कर दी भक्ति. अब भक्ति शुरू की, उसने भौतिक सुखों को त्याग दिया, भौतिक सुख थे त्याग दिया, नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि आप कह रहे हो कि इंद्रियों को सुख मत पहुंचाओ, सहन करो इंद्रियों के वेगों को, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अपने वेगों को इंद्रियों के मन के वेग को सहना चाहिए. तो चलो एक व्यक्ति है उसने वेगों को सहना शुरू कर लिया, उसने अच्छा खाने का मन था नहीं खाया, अच्छा दृश्य देखने का मन था नहीं देखा, आपकी भक्ति में लगा रहा,
और आपकी भक्ति कर रहा था लेकिन पूरी नहीं हुई, भक्ति उसकी पूरी नहीं हो पाई, परफेक्शन परफेक्ट नहीं होगा, सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या होगा उसका? ऐसा जो अध्यात्मवादी है, उसका क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ये भी गया वो भी गया, ना भौतिक सुख लिया, यहाँ पे सिद्ध नहीं कर पाया भक्ति को, वो गई आध्यात्मिकता, यहाँ पे भौतिक सुख गया, बीच में लटक गया। और अर्जुन ने बोला 39वें श्लोक में कि प्लीज कृष्णा मेरी शंका का समाधान करो, आपके अतिरिक्त और कोई मेरी शंका का समाधान नहीं कर सकता, आप प्लीज इसका समाधान करो। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण से अर्जुन बार बार जिज्ञासा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरे मन के संशय को दूर कीजिए प्लीज। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है अपने मन के संशय को दूर करना। हम लोग ज़्यादातर अज्ञान में पैदा होते हैं, अज्ञान में मर जाते हैं। कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र हैं, शूद्र मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, ना है ना लेना चाहते हैं, लेना शुरू करते हैं अनमने मन से, थोड़ा लेते हैं तो बहुत हो गया। अरे भाई बहुत कैसे हो गया, बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन हम पहले अपने दुनिया भर के काम निपटाएंगे, दुनिया भर के काम निपटाएंगे, फिर देखेंगे टाइम है, टाइम है तो चलते हैं। या कोई छोटी सी भी अगर वजह होगी, अगर कारण होगा, छोड़ो यार कल देखेंगे, अगली बार देखेंगे। बहुत ताकत चाहिए ये सोचने के लिए कि अगली बार जाएंगे, बड़ा भरोसा है हमें अगली बार आएगी, नहीं आई तो, अगली बार नहीं आई तो क्या करेंगे? नहीं, अब अगले जन्म में मौका मिलेगा तो जाके कोई हमारी शंकाएं दूर करेगा, अभी दूर करने के लिए बैठे कल जाएंगे अगली बार देखेंगे, ये सोच के साथ हम लोग अगर आध्यात्मिकता में आते भी हैं तो चलो घुस जाते हैं। और जो रेगुलर हैं वो सेवाओं में नहीं लगते, बोझ लगती हैं सेवाएं, यार हम अकेले कैसे करें, सारा काम करने का ठेका हमने ले रखा है। अरे मिल रही है भाई सेवा, ले लो ठेका, ठेका देने के लिए तो कार्यक्रम हो रहा है, आप अगर ये ठेका ही नहीं लेना चाह रहे तो भाई फिर क्या मकसद है? नहीं तो जो भी हम भक्ति में आ भी जाते हैं तो भी अनमने मन से लटक पटक के चलते रहते हैं हम, मुद्दे की बात ही है बेसिकली। कई बार हमें लगता है वो ये हम ही कह रहे हैं, कई बार ऐसा भी लगता है वो ये तो हम ही कह रहे हैं, फिर 5-7 मिनट बाद सब ठीक हो जाता है, अच्छा चलो ठीक है। कह दिया क्या हो गया, कौन सी गोली चला देंगे, और हमारे पास है भी नहीं बंदूक, सच्चाई ये भी है, किस पे चलाएं गोली, बंदूक ही नहीं है हमारे पास में। स्वैच्छिक है ना, स्वेच्छा से करना है बेसिकली, स्वेच्छा स्व इच्छा होगी, अपनी मर्जी होगी तो करना है, उस इच्छा को बढ़ाने के लिए बात की जाती है सारी। तो अर्जुन ने बोला आप समाधान कर सकते हो मेरी शंका का, और कोई नहीं है, प्लीज समाधान करो। तो फिर भगवान ने बोला पार्थ नेवेह न अमूत्र विनाशस तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान ने पहले उसको बोला कोई बात नहीं, अरे
घबरा क्यों रहे हो भाई? न दुर्गतिम तात गच्छति, कोई उसको मतलब कोई उसका नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर आप आध्यात्मिकता में जुड़ गए, अगर आप भक्ति में जुड़ गए, पहली बात यह कि कोई नुकसान नहीं हो सकता, ना यहां पे ना वहां पे, ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, अगर आप जुड़ गए कोई नुकसान नहीं होगा। और कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने ये बात भगवद गीता में अन्यत्र भी बोली है, नेहा विक्रम नाशोस्ति पत्र प्रत्यवायो न विद्यते, सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याद, कि ना तो नष्ट होगी ना कम होगी। अगर आपने सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, आपने थोड़ा सा भी धर्म का पालन किया, त्रायते महतो व्याद, आपको बड़े से बड़े खतरे से आपकी रक्षा कर लेगा। खतरा कहाँ है? पदम पदम यद विपदाम, हर कदम पे खतरा है, हर कदम पे खतरा है, हर कदम पे कौन सा खतरा है? सवाल सवाल, चलो हमने मान लिया, अच्छा उन्होंने बोला हर कदम पे खतरा है, अरे तो प्रश्न ये है कि हर कदम पे कौन सा खतरा है? किस खतरे से हम घबराने की घबरा रहे हैं? ऐसा कौन सा खतरा है जिससे हमारी जान निकल जाएगी? तो हमारे आचार्य बोलते हैं जो कदम कदम पे खतरा है, भगवान को भूलने का, भगवत विस्मृति का खतरा है। ये पूरा संसार इस तरह से बना हुआ है, पूरा संसार, कि भूल जाओ भगवान को, भगवान को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा संसार ऐसे बना हुआ है। लेकिन आप बोलोगे कि लोग तो मंदिर आते हैं बहुत सारे, भीड़ लगी होती, कई मंदिरों में तो बहुत ही भीड़ लगी होती है। वो सब ज्यादातर 99% जो मंदिरों में लोग जाते हैं, एटीएम मशीन में जाते हैं। वो जैसे आप एटीएम में जाते हो ना, अब कार्ड डाला, ठक से पैसे निकाले, घर चले गए। एटीएम मशीन से कोई लगाव है? कोई लगाव नहीं है। इतना लगाव है, पता है कि भाई इसमें कार्ड डालेंगे, पैसे निकल आएंगे, बस। ज्यादातर लोग मंदिर आते हैं एटीएम मशीन समझ के कि एटीएम कार्ड डाला, लिया, चलो भैया काम खत्म हुआ। लेकिन भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं, अरे भैया कोई नुकसान नहीं होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर भगवान ने बोला चलो ठीक है, नहीं पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ, उसने भक्ति शुरू की थी, नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर पूरा नहीं कर पाया तो भी घबराने की बात नहीं है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, कि वो पुण्यशाली अच्छे लोकों में जाएगा, सदगति को प्राप्त होगा। उषित्वा शाश्वतिम समा, शाश्वतिम मतलब चिरकाल तक, शाश्वतिम मतलब चिरकाल तक, कि वहां पर रहेगा, उषित्वा रहेगा वहां पर, उन लोकों में चिरकाल तक रहेगा। शुचि नाम, और जब रह के जब थक जाएगा, रहते रहते पुण्य क्षीण हो जाएंगे उसके, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला शुचि मताम श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, योग भ्रष्ट जिसने शुरू की थी भक्ति पूरा नहीं कर पाया, तो पहले तो पुण्य लोकों में जाएगा, स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, आराम से भोग करेगा, भोग करेगा, और फिर वापस आएगा। शुचि नाम, जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, श्रीमताम बहुत रिच, बहुत अमीर लोग हैं, उनके घर में योग भ्रष्टो विजायते, विजायते मतलब उन घरों में उसको स्थान मिल जाएगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तो भगवान यहां पर नहीं रुके, भगवान यहां पर नहीं रुके, भगवान ने आगे बात की। उन्होंने बोला अथवा, 42वें श्लोक में उन्होंने बोला अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्बलम दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम, कि अगर जो डिवोटी है, जो भक्त है, उसने लंबे समय तक भक्ति की लेकिन पूरी नहीं कर पाया, पहले बताया थोड़े समय तक की, पूरी नहीं कर पाया, अब क्या लंबे समय तक की,
पूरी नहीं कर पाया तो बोले धीमताम। जो ऐसे अध्यात्मवादियों के घर में उसका जन्म होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो बहुत समझदार है, है ना। तो समझदार, समझदार कौन है, समझदार कौन है? भागवत में बोला है समझदार कौन है, यजंती ही सुमेधशा। श्रीमद् भागवतम 11:5-32 उसमें बताया गया यजंती ही सुमेधशा। जो सुमेधशा, जो बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, यजंती भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। यजंती ही सुमेधशा, भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे। तो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन अगर लंबे समय तक की पूरी नहीं कर पाया कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगला जन्म उसको मिलेगा ऐसे भक्तों के घर में जो बहुत ही समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदारी से भक्ति कर रहे हैं। और ये जो स्थिति है दुर्लभ तरम, बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है ये स्थिति, हर किसी को नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से ये स्थिति प्राप्त होती है, बहुत ही कठिन है। तो तब क्या होता है, तब क्या होता है कि चलो इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। हे अर्जुन, कुरु नंदना, हे अर्जुन, ऐसा जन्म लेने के बाद उसकी जो पुरानी, जो पूर्व चेतना है, पूर्व जन्म की चेतना है, पूर्व देहिकम, पूर्व जन्म की चेतना उसकी जागृत हो जाती है, पूर्व जन्म की चेतना जागृत हो जाती है, तो वो दोबारा जहाँ से छोड़ा था वहाँ से भक्ति को पकड़ लेता, जहाँ से छोड़ा वहाँ से पकड़ लिया, आगे बढ़ना शुरू हो गया, हाँ, जहाँ से छोड़ा। और फिर भगवान ने आगे 44वें श्लोक में बोला पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अविशोपि सह जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मा ब्रह्माति वर्तते। कि जो उसकी जो आध्यात्मिक चेतना पूर्व जन्म में उसकी विकसित हुई थी उसके कारण वो ऑटोमेटिकली, उसके कारण कहीं से कुछ उसको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती, स्वतः आकृष्ट हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, स्वतः भक्ति के प्रति अपने आप आकृष्ट हो जाता है। कई लोग हमें मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें तो किसी ने बोला नहीं, हम तो ढूंढ रहे थे भाई कोई मिले तो हम शुरू कर दें, स्वतः ही पहले से ही आकर्षित हैं वो, कोई उनको बड़ा कुछ दम नहीं लगाना पड़ता, नहीं, कोई दम नहीं लगाना पड़ता। और ऐसा जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है वो जो कर्मकांडी, जो शास्त्रों के जो कर्मकांडी नियम है उनसे ऊपर होता है, सकाम कर्मों में नहीं फंसता, वो सकाम कर्मों में नहीं फंसता, वो पहले से ही शुद्ध भक्ति की ओर उसका मन आकर्षित होता है, उसी के बारे में सोचता है, वो भगवान को एटीएम मशीन नहीं समझता बेसिकली। और 45वें श्लोक में, 6वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी समशुद्ध किल्बिशः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। और जब वो जो जुड़ गया, जिसकी स्वतः आकृष्ट हो गई थी चेतना भक्ति की ओर, फिर वो भक्ति में इस जन्म में वर्तमान जीवन में आगे प्रगति करता है और अपने सारे जो कलमश हैं उससे शुद्ध होकर सारे कलमश खत्म करके समशुद्ध किल्बिशः, सारे कलमश अनर्थ खत्म करके वो कई जन्मों में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कई जन्म, अनेक जन्म समसिद्धस, अनेक जन्मों तक प्रयास करता रहता है तो सिद्धि मिल जाती है उसको। फिर बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, बहुत मुश्किल होता है भक्ति में थोड़ी सी भी तरक्की आगे करना, बड़ा दम लगाना पड़ता है आपको भी, गुरु को भी,
दोनों को बहुत दम लगाना पड़ता है, तो कोई व्यक्ति थोड़ी सी आगे बढ़ता है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हर चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं होता, बहुत दम लगाना पड़ता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं अनेक जन्म समसिद्ध, अनेक जन्मों तक प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, पता नहीं वो अनेक जन्म कितने जन्म होंगे, ये भी तो बात है। अनेक जन्म 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी तो हो सकते हैं, नहीं? और उन जन्मों के बीच में वो जाके आध्यात्मिक, वो पुण्य लोकों में जाके वहां पे भोग भी कर रहे हैं, उसका टाइम भी खर्चा हो जाएगा, तो पता नहीं कब पहुंचेंगे वहां पे, जहाँ पे जाने के बारे में पता नहीं सोचते हैं भी नहीं सोचते, पता नहीं हम सोचते नहीं सोचते कि वहाँ जाएंगे भगवान के धाम में, वहाँ पे घास का तिनका बन जाएंगे और गाय भगवान और भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद हमारे सिर पर पैर रख के आगे चले जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। ये सोचते ही नहीं हम, ये सोचते नहीं हम, पता नहीं, पता नहीं, अगर सोचते हैं तो ये नहीं सोचते कि कब पहुंचना है, अगर ये भी सोच लेते हैं उसके लिए प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हैं लटके पटके प्रयास करते हैं, कुल मिला के बड़ा मुश्किल सा काम है, कुल मिला के बड़ा मुश्किल सा काम है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इतना मुश्किल है जैसे नीचे जमीन पे गिरी हुई गुलाब की पंखुड़ी को उठाना, इतना मुश्किल है। तो क्या है मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम मुश्किल बना देते हैं इसको, उसको घूरते रहेंगे यार, इसको उठाएं ना उठाएं, अगर इस तरफ ध्यान दिया तो ये ना छूट जाए हमसे, अरे छोड़ो यार, फेंको उसको, इसको उठाओ, जो आध्यात्मिक ध्यान है उसको उठाओ, उसको छोड़ दो, जाने दो। तो ये जो बात है कि अगर भक्ति में जुड़ गए ना कम होगा ना नष्ट होगा, और पुण्य लोकों में जाओगे, और हर जगह पर स्पेशली जो भक्त हैं भगवान के, उनकी भगवान रक्षा करते हैं। हाँ, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं रक्षा करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं रक्षा करता हूँ, मेरा ना मैं भक्त है प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा मतलब उसको मैं विस्मृति नहीं होने दूंगा, मैं किसी ना किसी तरीके से उसको अपनी याद दिलाता रहूंगा उसको, मैं ना मैं भक्त है प्रणश्यति, उसको भूलने नहीं दूंगा, मैं ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दूंगा कि वो मुझे याद रख पाए, ये सुविधा उसको दे दूंगा। क्यों? क्योंकि सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, उसने मेरी थोड़ी सी सेवा कर दी थी, उसने उसने मेरी थोड़ी सी भक्ति कर ली थी उसने, बस मैं उसके प्रति मेरा एक मेरा लगाव खड़ा हो गया मेरा, अब उस लगाव के चलते मैं उसकी हेल्प करता रहूँगा, उसको भूलने नहीं दूंगा। तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण भागवतम के 5वें स्कंद में मिलता है, भरत महाराज का 24 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ दिया, मल की तरह त्याग दिया, पूरे संसार का राज्य मल की तरह त्याग दिया, नहीं चाहिए, और चले गए वन में भगवान की भक्ति करने के लिए, और भगवान की भक्ति कर रहे थे बहुत निष्ठा से, एक हिरण में आसक्ति आ गई, मृत्यु के समय हिरण का ध्यान कर रहे थे, अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जयन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता, मृत्यु के समय जो सोचोगे वैसा शरीर मिल जाएगा। अगर पुरुष मृत्यु के समय अपनी स्त्री का ध्यान करेगा, अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा, अगर स्त्री मृत्यु के समय अपने पति का ध्यान करेगी, उसको पुरुष का शरीर मिल जाएगा, उसको यम यम वापि स्मरण भावम, जैसा सोचोगे वैसा शरीर मिल जाएगा बेसिकली।
भरत महाराज ने हिरण के बारे में सोच रहे थे, हिरण का शरीर मिल गया, नामे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान ने उसकी रक्षा की वहाँ पर और उसको ऐसी जगह पर भरत महाराज को ऐसी जगह पर उन्होंने जन्म दिया जहाँ पे साधु तपस्वी रहते थे। तो भगवान के बारे में सुनता रहा और जब शरीर छोड़ा हिरण का तो दोबारा तीसरा जन्म हुआ। एक अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण थे, उनके परिवार में जन्म हुआ। उसकी दूसरी दो पत्नियां थी उसकी, उस ब्राह्मण की पहली पत्नी से 9 उसके पुत्र थे और दूसरी पत्नी से 2 जुड़वा बच्चे हुए थे दूसरी पत्नी से, लड़का लड़की। तो लड़का जो था वो भरत महाराज थे। बहुत कोशिश की उनके जो पिता थे, बहुत कोशिश की इनको पढ़ाने लिखाने की, लेकिन भरत महाराज को पता था अपने पूर्व जन्मों का, मैं क्या था, क्या बन गया, अब क्या बन गया। उन्होंने इस बार सोच लिया था कि अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। सावधान हो गए थे, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, अब किसी के प्रति आकर्षित नहीं हो जाऊंगा, अब पूरे ध्यान से सतर्क रहकर भगवान का भजन करूंगा। सतर्क रहना शुरू कर दिया उसने। और सतर्क कैसे रह रहे थे, बिल्कुल मूर्खों की तरह रहते थे, बिल्कुल मूर्ख की तरह। भौतिक जगत में हमारा पूरा जीवन अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करने में निकल जाता है मैं बुद्धिमान हूं, मेरे से सलाह लो। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। जड़ भरत बिल्कुल उल्टे थे, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया यह सिद्ध करने में कि मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उनके पिता ने कहा देखो शौच के बाद हाथ धोने चाहिए, पहले हाथ धोते थे। वेदों के मंत्र सिखा सिखा के थक गए, एक नहीं आया, कोई उच्चारण नहीं कर पाए। जो जनेऊ था बिल्कुल काला पड़ गया था, जनेऊ चेंज नहीं करते थे, पड़ा जनेऊ सालों तक वही जनेऊ चले जा रहा है, काला पड़ गया जनेऊ एकदम, कोई केयर नहीं है। फिर भी पिता प्रयास करते रहे, लेकिन आखिर में प्रयास करते 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 उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई तो अब जड़ भरत जो हैं वो अपने जो उनसे बड़े 9 भाई थे उनके हाथों लग गए, वो अब उनके हाथों लग गए। तो अब उनके 9 भाइयों ने उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनको खेतों में ही रहने देते थे, खेत में ही पड़ा रह तू, वहीं पे काम करता रह। और जो जैसे सरसों उगाई तो सरसों का तेल निकाल के जो खल बच जाती है वो खाने के लिए दे रहे, जानवर खा रहे हैं उनको खाने के लिए दे रहे हैं, सूखी रोटियां। और जो जड़ भरत है बड़े चाव से खा लेते थे, कोई बुरा नहीं माना कि यार ये क्या दे रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ये क्या दे रहे हो, कोई बुरा नहीं माना, ठीक है बहुत बढ़िया खा जाओ, कोई बुरा नहीं माना उन्होंने, जैसा दिया वैसा खा लिया, नहीं दिया नहीं खाया, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा अजीब भोजन कर रहे थे फिर भी हट्टे कट्टे थे, पशु के समान रह रहे थे, पशु के समान रह रहे थे। तभी वहां पर एक डाकू था, उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए भद्रकाली पर को नर बलि देनी थी तो भरत महाराज को पकड़ के ले गया। जड़ भरत को जब बलि चढ़ाने लगा तो भद्रकाली प्रकट हो गई, उसी खड़क से उन लोगों को मार दिया।
अपने स्वामी के भक्त की रक्षा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण भक्त को कोई मेरे सामने नुकसान पहुंचा सके। और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, भगवतधाम चले गए। और ऐसे ये कोई ऐसा अकेला उदाहरण नहीं है, भागवत में एक और उदाहरण भी मिलता है आपको। भागवत में उदाहरण मिलता है हमें ध्रुव महाराज के पुत्र का। ध्रुव महाराज के पुत्र थे उत्कल, बड़े पुत्र जो थे। जब ध्रुव महाराज जा रहे थे भगवत धाम, तो उन्होंने बोला, यार तू संभाल ले भैया। उत्कल ने कहा, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। आध्यात्मिकता में बहुत उन्नत थे, पूरी तरह सक्षम थे, लेकिन बोल दिया, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो छोटे भाई को राज्य दिलवा के अपना भक्ति करते रहे। छोटे भाई को राज्य दे दिया, तू संभाल भैया, मेरे बस की नहीं है। अपने आप को मूर्ख साबित करने में लगे रहे जड़ भरत भी और उत्कल भी। हम तो मूर्ख हैं भैया। यहाँ पर जो है जब हम जड़ भरत की बात करते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर दो बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पर उठाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, तो भक्तों ये जो जड़ भरत हैं, जड़ भरत बल्कि एक बार खेतों में काम कर रहे थे, आराम से मजे से पड़े हुए थे, तो राजा निकल रहे थे वहाँ से, राजा रघुगण। तो उन्होंने कहा, उठाओ इसको, अरे पालकी में जोत दो इसको। तो पालकी उठा के चल रहे थे, चलो कोई चिंता ही नहीं है मान सम्मान की, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। जैसा जिसने जहां पर लगा दिया वैसे करते रहो, जैसा लगा दिया वैसे करते रहो। लेकिन अचानक रघुगण ने पहचान लिया उनके महान व्यक्तित्व को, उनसे माफी मांग के उनसे उनको बोला, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे आप प्लीज अपना शिष्य बना के मुझे शिक्षा दीजिए। तो शिक्षा दे रहे थे, वो शिक्षा दे रहे थे जड़ भरत महाराज रघुगण को। तो रघुगण आश्चर्यचकित हो गए, यार ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, इतनी गहरी बातें ये कैसे कर सकते हैं। तो रघुगण ने पूछ लिया, आप इतनी गहराई में इतनी कैसे पहुंच गए, आपको ये इतनी सारी बातों का अनुभव कैसे हो गया, कैसे पता चल गया आपको, आप प्लीज मुझे बताओ। तो उस समय जड़ भरत ने उनको बोला, बोला देखो ये जो बातें हैं ये ना तो पूजा से आती हैं, ना तपस्या से आती है, ना मंत्र उच्चारण से आती है, ना इससे आती है, ना उससे आती है, किसी से नहीं आती। तो कैसे आती हैं? उन्होंने कहा, तुम जलती हुई आग में खड़े हो जाओ, ये अनुभूति नहीं आएगी। सर्दियों में बर्फीले पानी के अंदर डूब जाओ, उसके अंदर खड़े रहो, ये अनुभूति नहीं आएगी। अरे तो भाई कैसे आएगी? तो उन्होंने बोला, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, कि एक गुरु की शरण लिए बिना, गुरु के चरणों की रज अपने सिर पर धारण किए बिना नहीं आएगी। आप हिमालय पर्वत उखाड़ दो, गुरु की शरण नहीं लोगे, आपको यह अनुभूति आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। और एक बात यहां पे महत्वपूर्ण है, गुरु की जो शरण होती है वो कोई एक एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता कि हमने 1 दिसंबर 2019 को हमने फला दिन फला समय पर हमने गुरु की शरण ली, हमें दीक्षा मिली, ऐसा नहीं होता। गुरु की शरण मतलब पूरा जीवन भर का कार्य होता है, वो पूरा जीवन झोंकना पड़ेगा। कोई एक क्षण का एक कोई एक बिंदु नहीं है, पूरा जीवन है गुरु की शरण का मतलब।
पूरा जीवन लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। अब यहां पर एक बड़ी एक विचित्र बात यह है कि ये जड़ भरत कह रहे हैं कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम गुरु की शरण लिए बिना मिलेगी नहीं सिद्धि। लेकिन जड़ भरत का अपने जीवन में क्या था, क्या उन्होंने गुरु धारण किया था? उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। ऐसा व्यक्ति जिसने दिखाई दे रहा है कि गुरु धारण नहीं किया, वो बोल रहे हैं गुरु धारण किए बिना तुम्हें कभी भी ये अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रश्न उठा दिया उन्होंने। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं देखो आप ये कह सकते हो कि जड़ भरत ने गुरु धारण नहीं किया, फिर भी बोल रहे हैं बिना महत्पाद रजोभिषेकम कि गुरु के शरण लिए बिना जो है आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, आप भगवान के चरण चरण का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने तो कर लिया था। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जो ध्रुव महाराज हैं वो सशरीर भगवान के धाम चले गए थे, शरीर चेंज नहीं किया था, सशरीर भगवान के जिस शरीर में यहां रह रहे थे उसी शरीर में चले गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं देखो ये एक्सेप्शंस होती हैं, ये अपवाद होते हैं, इन एक्सेप्शंस इन अपवाद के पीछे अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्रचलित जो जो प्रमाणिक विधि विधान है उसका पालन करना चाहिए। प्रमाणिक विधि विधान है गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लो। ये मत उदाहरण दे देना कि उसने तो नहीं ली थी, वो फलाने ने ले ली, वो ढिमकाने ने नहीं ली, वो छोड़ दो, उनको अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दो। जो प्रमाणिक विधि विधान है वो क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड रूल्स वो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम महीय साम पाद रजोभिषेकम, अगर हमने गुरु की अगर हमने शरण ले ली, उनसे गुरुपाद आश्रय ले लिया तो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वो पहली बात भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अपवादों के पीछे मत दौड़ो, जो स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करो, उसका अनुशीलन करो, पहली बात। दूसरी बात भक्ति विनोद ठाकुर ने खड़ी कर दी। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि आखिर ऐसा व्यक्ति जिसने 24 वर्ष की आयु में पूरे संसार का राज्य मल की तरह त्याग दिया, जंगल में चला गया, वो कैसे संभव है कि हिरण के बच्चे में उसकी आसक्ति आ गई, ये कैसे हो गया? एक इसकी जो व्याख्या ये है कि वो डिवोटी एसोसिएशन में नहीं थे, साधु संघ में नहीं थे, इसलिए हो गया। एक व्याख्या ये है, भक्ति विनोद ठाकुर बिल्कुल अलग व्याख्या दे रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इसके पीछे एक ये सनातन गोस्वामी इसकी चर्चा कर रहे हैं एक्चुअली में बृहद भागवत व्रत में, और वहां पे ये बोल रहे हैं कि जो भरत महाराज हैं वो आखिर समय में उन्होंने हिरण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, हिरण का जन्म ले लिया, युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, क्यों इन लोगों ने ऐसे काम किए, और भी बहुत उदाहरण होंगे, क्यों किए इन लोगों ने ऐसे काम, आखिर धर्मराज ने जुआ कैसे खेल दिया, क्या मतलब है इसका? भरत महाराज जैसे इतने उन्नत वैष्णव ने कैसे एक हिरण में अपनी आसक्ति लगा दी, इसका क्या मतलब है? तो सनातन गोस्वामी वहां पर चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो ये लोग इन्होंने जानबूझकर ये काम किए, भरत महाराज ने जानबूझकर हिरण में आसक्ति पैदा कर दी, युधिष्ठिर महाराज ने जानबूझकर जुआ खेल दिया, क्यों? हमें सिखाने के लिए कि देखो अगर कुसंग करोगे तो ये हाल हो जाएगा, अगर अपनी आसक्ति
अगर पूरी तरह से सतर्क नहीं रहे, अगर सावधान नहीं रहे, तो जो मेरा हशर हुआ वो तुम्हारा भी हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, जुए खेलने के जो बुराई है, जो उससे जो कष्ट मिलेंगे, जो परेशानी आएंगी, वो दिखाने के लिए उन्होंने जुआ खेला। और इतने महान है ये, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं इतने महान है भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, के ऐसा काम किया हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको करोड़ों साल तक लोग उनकी उन पर लांछन लगाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उनकी ऐसा कैसे कर दिया तुमने, भरत महाराज ने ऐसा कैसे कर सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज जुआ कैसे खेल सकते हैं, उनको लांछन लगाएंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, अपनी बेइज्जती, अपना अपमान करना उन्होंने स्वीकार कर लिया हमें शिक्षा देने के लिए, हमें ये सिखाने के लिए कि जो अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें देख लो, हमें देख लो, हमारे साथ क्या, हमारा क्या हशर हुआ, हमारा क्या हाल हुआ, आप प्लीज़ ऐसा मत करना, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, हमें गाली देनी है, हम खराब व्यक्ति हैं, हाँ हैं, आप मत ऐसा करना प्लीज़। सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में इस बात का चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्लीज, क्योंकि भरत महाराज की हिरण में आसक्ति हो गई, उनको आप कोई ऐरा गहरा, कोई कनिष्ठ भक्त मत समझ लेना, वो उन्नत भक्त थे, उन्नत भक्त हैं, उन्नत भक्त रहेंगे, वो महाभागवत है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, हैं, रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, इसके अंदर इसमें आप कोई इफ बट नहीं लगा सकते, ये ऐसा ही है। हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक नीची, उन्होंने स्थिति स्वीकार कर ली ताकि हम सीख के हम वो गलती नहीं करें। तो कोई भी परिस्थिति रहेगी, कोई भी परिस्थिति रहेगी, एक बार भगवान की भक्ति में जुड़ गए, भगवान हमें कभी अपनी विस्मृति नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, और हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, छोटे मोटे संकटों से मैं नहीं घबराता, लेकिन जो परम संकट है आपकी विस्मृति का, प्लीज उस संकट में मत डालना, चाहे मुझसे कितनी गलतियां हो जाएं, प्लीज ऐसी स्थिति में मत डाल देना कि आपकी विस्मृति हो जाए। और मैं आपसे ये बात क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि आप ही का वचन है ना, मैं भक्ता प्रणश्ति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, योग क्षेम वहामियम, आप रक्षा करोगे, तो आप सबकी रक्षा करते हो, प्लीज़ मेरी भी रक्षा करते रहना, प्लीज़ मुझे भगवान की विस्मृति मत होने देना, मुझे अपनी विस्मृति मत होने देना।